ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में एनार्किज्म। तो भारत से कुछ महत्वपूर्ण थिंकर हुए हैं जो एनार्किज्म या अराजकतावाद को सपोर्ट करते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थिंकर है महात्मा गांधी। इन्होंने अपने एनार्किज्म संबंधी जो विचार है वो हरिजन के कुछ उसमें आर्टिकल्स में और अपने ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। महात्मा गांधी के क्या विचार है एनार्किज्म को लेकर के, दो तीन पॉइंट हम यहाँ पर समझ लेते हैं और डिटेल से हम लोग गांधी की फिलोसफी पढ़ेंगे आगे, उनकी आइडियोलॉजी वहां पर हम देखेंगे। गांधी जी के अनुसार पॉलिटिकल पावर यानी जो राजनीतिक शक्ति है इसका असली काम होता है कंट्रोल्स नेशनल लाइफ, यानी राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा काम है राष्ट्रीय जीवन को नियंत्रित करना। ठीक है, राष्ट्र में जो जीवन है, लोग हैं, उनकी गतिविधियां हैं, उनको नियंत्रित करने का काम ही करती है कौन? राजनीतिक शक्ति। ठीक है, अब यदि गांधी जी कहते हैं कि यदि सेल्फ कंट्रोल सिस्टम हो, यानी हर व्यक्ति अपने कंसाइंस से कंट्रोल हो रहा हो, हर व्यक्ति अपने जो इसके पहले हमने पढ़ी थी एक्सपर्ट और रैशनल लोगों के डायरेक्शन से कंट्रोल हो रहा हो तो नो नीड ऑफ पॉलिटिकल पावर, तो पॉलिटिकल पावर की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। यही एनार्किस्ट लोगों का विचार है कि यदि हर व्यक्ति खुद से नियंत्रित हो रहा है तो राजनीतिक शक्ति की कोई जरूरत नहीं है। यह गांधी जी का विचार है। दूसरी बात वो कहते हैं कि एनार्किस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी है जहां कोई पावर तो नहीं होगी लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन होगा, और डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिक यूनिट होगी डिसेंट्रलाइजेशन की विलेज, ग्रामीण लेवल पर शक्ति दिया जाए, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर और फिर केंद्रीय लेवल तक। ठीक है, एक हायरार्किकल लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए लेकिन पॉलिटिकल पावर का नहीं, इसके अलावा जो और भी इंटेलेक्चुअल्स हैं सोसाइटी में उनके द्वारा सोसाइटी को कैसे रेगुलेट किया जाए ये यहां होगा। डेमोक्रेसी गांधी जी के हिसाब से जहां जहां लोकतंत्र है स्वाभाविक बात है वहां चुनाव होगा, यानी दुनिया में हर प्रकार का लोकतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। अब गांधी जी के हिसाब से चुनाव इलेक्शन क्या है? आदर्श कंट्रोल, चुनाव में जो मतदाता वोट डालते हैं उस पर वास्तव में उनका अपना नियंत्रण नहीं होता, उन पर किसी दूसरे का नियंत्रण होता है, किसी दूसरे से प्रभावित होकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दिया गया या जो जिस पार्टी से व्यक्ति चुन के आया है संसद में जाके वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम नहीं करता, उसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से जिस पार्टी का वो मेंबर है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि इलेक्शन में लोगों के अंदर जो आंतरिक स्वतंत्रता होती है वो समाप्त हो जाती है, यानी कि ट्रू फ्रीडम समाप्त हो जाता है, इसलिए डेमोक्रेसी का सपोर्ट गांधी जी नहीं करते। गांधी जी के हिसाब से जो स्टेट है जब जब स्टेट होगा तब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। स्टेट के होने का मतलब यह है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का होना, निजी संपत्ति का होना, और जब जब निजी संपत्ति होगा पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा, कैपिटलिज्म को ग्रोथ मिलेगा, और जब जब पूंजीवाद बढ़ेगा तब तब शोषण होगा, और गांधी जी इसी शोषण को दूर करने के लिए अराजकतावादी सिद्धांत को मानते हैं। उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, एज स्टॉर्म्स आर कॉसेस ऑफ ओशनिक वेव्स, यानी जैसे तूफान के कारण समुद्र में लहरें उठती हैं तो जो तूफान है वो समुद्र में लहर उठाने का कारण है, स्वयं में कोई परिणाम नहीं है। ठीक है, नॉट द रिजल्ट, तो तूफान कारण है परिणाम नहीं है। उसी प्रकार स्टेट इज कॉज ऑफ सोशल एविल्स, समाज में जो बुराइयां हैं उन सामाजिक बुराइयों के कारण ही राज्य आया है, यानी जब जब राज्य होगा सामाजिक बुराइयां होगी, और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के नाम पर ही राज्य आया है, यानी राज्य यहां पर क्या है, एक कारण है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाला एक कारण है, परिणाम नहीं है। ठीक है, अब गांधी जी कहते हैं कि द क्योर ऑफ डिसीज लाइज ऑन रूटिंग ऑफ द कॉसेस, यानी किसी भी बीमारी को ठीक करने का एकमात्र उपाय है उसके कारणों को नष्ट कर देना, और कारण यहां क्या है, राज्य। किस चीज का कारण है? सामाजिक बुराई का कारण है। ठीक है, तो जब राज्य ही नहीं रहेगा सामाजिक बुराई ही रहेगी। ठीक है, तो गांधी जी का कहना है कि कारणों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए उसके परिणाम पर नहीं। ठीक है, तो ये उनका एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो गांधी जी का स्टेटमेंट एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जिस प्रकार लहरों समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो तूफान के कारण होती है, उसी प्रकार समाज में जो बुराइयां होती हैं वो राज्य के कारण होती है। तो कुल मिला के कारण को समाप्त कर दिया तो परिणाम अपने आप समाप्त हो जाए। यदि तूफान नहीं आएगा तो लहरें नहीं बनेगी, यदि स्टेट नहीं होगा तो सामाजिक बुराइयां नहीं होंगी, इसलिए राज्य का जो है विरोध करते हैं गांधी जी। तो ये गांधी जी कुछ विचार है। इसके अलावा विनोबा भावे भारत से महत्वपूर्ण थिंकर हुए हैं जो
एनार्किस्ट थिंकर है और वो अपने विचार सर्वोदय के आधार नामक अपनी किताब में लिखते हैं। इसमें उन्होंने स्टेट को आर्टिफिशियल बताया है कि राज्य आर्टिफिशियल है और व्यक्ति नेचुरल है, तो आर्टिफिशियल चीज नेचुरलिटी को खत्म कर देती है, इसलिए स्टेट को नहीं होना चाहिए। एक अगले थिंकर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने अपनी कई किताबों में से एक उनकी किताब है नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, ठीक है, इस किताब में उन्होंने, वो एनार्किस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है, सोशलिस्ट भी है, ठीक है, तो वास्तव में वो समाजवादी है, लेकिन वो किस एनार्किज्म का को फॉलो करते हैं, एनार्किज्म कई प्रकार की है जो कि एनार्किस्ट सोशियोलॉजी का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी एनार्किस्ट फिलोसफी हो गई। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट आइडियोलॉजी में स्टेट क्या होते हैं, तो आइडियोलॉजी और यहां पर नेचर ऑफ स्टेट। नेगेटिव लिबरलिज्म में स्टेट कैसा है, मिनिमल स्टेट। पॉजिटिव में कैसा है, मैक्सिमम स्टेट या वेलफेयर स्टेट। न्यू लिबरलिज्म में वेरी लिमिटेड स्टेट, सोशलिज्म में ट्रांजिशनल स्टेट और एनार्किज्म में कोई स्टेट नहीं होगा। तो ये सारे आइडियोलॉजी का कंपैरिजन और उसके रिस्पेक्ट में स्टेट क्या होगा। होमवर्क आपको जो करना है, कंपैरिजन करनी है एनार्किज्म एंड लिबरलिज्म के बीच में, एनार्किज्म और सोशलिज्म के बीच में, और एनार्किज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म के बीच में, जो कि अगला टॉपिक टोटलिटेरियनिज्म में पढ़ा दूंगा, तो दोनों में आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।